नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की आवाज। यूट्यूब मंच पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। खड़ी देशों में जिस तरह से हमास और इसराइल के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है, उसकी सबसे पहले हम इन मुद्दों पे आएंगे कि इसराइल के साथ नेहरू से लेकर राजीव गांधी के तक हमारे भारत के साथ राजनीतिक संबंध नहीं थे। जब 1991 के अंदर नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद इसराइल के साथ हमारे राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और दूतावास की अनुमति दिल्ली में मिली। उसी तर्ज पर भारत सरकार की विदेश कूटनीति में बदलाव आया और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने इसराइल का समर्थन किया। एक राजनीतिक मजबूरी या विदेश कूटनीति के तहत नरेंद्र मोदी को इसराइल का समर्थन करना मजबूरी या लाचारी, ये विदेश कूटनीति का एक हिस्सा अलग है। लेकिन हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में रहा हमारा आज तक का 1947 से लेकर 1990 तक, यानी राजीव गांधी तक का जो फिलिस्तीन समर्थन भारत सरकार करती आई। लेकिन नरसिम्हा राव के बाद हमारी विदेश नीति में बदलाव आया। उसके बाद आज जिस तरह से बारूद के ढेर पे खड़ा खड़ी देश, आज देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चला है। लेकिन इसराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा दे गया हमास। शनिवार की तड़के सुबह 5000 मिसाइलों से इसराइल के शहरों को तहस नहस किया, उसकी कांटेदार जो सीमाएं हैं उसको बर्बाद कर दिया और इसराइल की जमीन में घुसकर कई नागरिकों को बंधक बनाया और कई सोल्जरों को यानी आर्मियों को बंधक बनाया, आम नागरिकों को बंधक बनाया। इस तरह से इसराइल के जो सबसे बड़े मेजर स्थल पर जो बमबारी की वर्षा हुई, जहां पे ढेरों लोग बारूद के शिकार बने, मिसाइल के शिकार बने। लेकिन हमास गाज़ा पट्टी में जो इसराइल आज जिस तरह से बदला ले रहा है, हमास को पूरा जमीन दोस्त मटिया मीट करने पे तुला हुआ है। आज पूरी दुनिया दो विभागों में बट गई है, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, भारत आज इसराइल के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं पर तैयब अर्दगान यानी तुर्की, लेबनान, सऊदी अरब, कतर, ये सारे खाड़ी देश हमास के साथ समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, बड़ी भयानक तस्वीर उभर कर सामने आएगी। क्या होगा अंजाम पता नहीं। हमास जो एक उग्रवादी संगठन बताते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता, उसकी जो हमास का जो लाइसेंस है, हरकतुल जिहाद इस्लामिक संगठन है जो आज इसराइल पर टूट पड़ा है। हमास की कूटनीति, यासिर अराफात इसके बहुत बड़े फाउंडर थे। यासिर अराफात के दौर में ही फिलिस्तीन को आज़ादी मिली थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसराइल उस तरह से जस्टिस नहीं कर पाया फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन में हमेशा अन्याय और अत्याचार करता रहा और फिलिस्तीन के जो हमास संगठन है उसको बर्दाश्त नहीं करी। आज वो एक उग्र रूप ले चुका है। बारूद के ढेर पर आज फिलिस्तीन की गाज़ा पट्टी और इसराइल खड़े नजर आ रहे हैं और इसराइल किसी भी समय न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। हमास के ठिकानों पर, गाज़ा पट्टी पर कुछ भी कर सकता है। अमेरिका ने 50,000 सैनिक अपने इसराइल के समर्थन में 50 बेड़ा यानी लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। देखना है कि अब खाड़ी देश कैसा रूप धारण करेगा। महाराष्ट्र की आवाज़ एक छोटी सी एनालिसिस करने का प्रयास है। देखते रहिए महाराष्ट्र की आवाज़। धन्यवाद।